ये किस्सा कुर्सी का है। कुर्सी न मिलने से बिफरी अधिकारी ने सीएमओ को लपेटे में लिया। तफ्तीश पर पहुंची एसडीएम साहिबा को नहीं मिली कुर्सी तो पारा सातवें आसमान पर पहुंचा और डॉक्टर्स को दे दी खुली धमकी। एसडीएम साहिबा ने सीएमओ को लाइन पर लिया और जेल में डलवाने की दी धमकी तो बरप गया हंगामा। एसडीएम साहिबा के बयान पर डॉक्टर्स में गुस्सा, लेकिन एसडीएम साहिबा भी गुस्से से दिख रही आग बबूला। कुर्सी की बात जब भी आती है तो हंगामा हो ही जाता है, फिर चाहे वो कुर्सी सरकार की हो या फिर अधिकार की। हरदोई से गजब चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल पहुंची एसडीएम साहिबा को कुर्सी नहीं मिली तो फिर मामला धमकी, बयानबाजी और हंगामे तक जा पहुंचा। एसडीएम साहिबा ने सीएमओ को फोन घुमा दिया और मैनर्स सिखाने की नसीहत दे डाली, तो वहीं डॉक्टर्स अब एसडीएम साहिबा के ही सलीके पर सवाल उठा रहे हैं। स्थितियां तब और ज्यादा बिगड़ गई जब एसडीएम साहिबा ने डॉक्टर्स को जेल में डलवाने की धमकी दे डाली। बताएंगे पूरा मामला क्या है, लेकिन पहले आप मैडम एसडीएम का बयान सुन लीजिए। दरअसल हरदोई में सदर एसडीएम स्वाति शुक्ला युवती के जहर खाने के बाद उसके बयान लेने एसडीएम मेडिकल कॉलेज गई थी, जहां उन्हें बैठने के लिए कुर्सी ऑफर ना होने पर वे भड़क उठी। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में आकर उन्होंने ईएमओ की सीट पर बैठकर सीएमओ को कॉल लगाया, चिकित्सकों को थाने में डलवा देने की धमकी दे डाली। एसडीएम के इस कृत्य से चिकित्सकों में गुस्सा है। वहीं मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल वाणी गुप्ता ने इसको बैड मैनर बताया है और एसडीएम को रूल ऑफ लॉ ना पता होने की बात कही है। दरअसल एसडीएम को गुस्सा इस बात पर आया था क्योंकि इमरजेंसी में तैनात ईएमओ डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने उन्हें अपनी कुर्सी ऑफर नहीं की थी। इसी बात पर एसडीएम इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर पर गुस्सा हो गई, सीएमओ को फोन करके खरी खोटी सुना दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टरों में गुस्सा है, तो वहीं मैडम एसडीएम अब भी अपने पक्ष पर खड़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।